एमएलएसएम कॉलेज सुंदरनगर में इंटर कॉलेज हॉकी प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता के पहले दिन पहला मैच बिलासपुर और हमीरपुर कॉलेज की टीम के बीच में खेला गया। इसमें बिलासपुर की टीम ने 2-1 से मैच को अपने नाम किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ उपायुक्त मंडी मदन चौहान ने किया, जबकि विशेष रूप से SDM सुंदरनगर देवाशिवता बानिक उपस्थित रही। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर पवन जम्बाल ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस मौके पर उपायुक्त मदन चौहान ने कहा कि सभी कॉलेजों की टीमों को खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल में भाग लेना चाहिए। यदि बच्चों को खेलने का मौका दिया जाना चाहिए, तभी वह आगे बढ़ पाएंगे और एक अच्छे खिलाड़ी बनकर उभरेंगे। उन्होंने सभी टीमों के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का इंटर कॉलेज वुमेन टूर्नामेंट यहाँ सुंदरनगर में प्रारंभ करते हुए बहुत ही हर्ष का विषय है कि महिलाएं जो है खेल में बहुत आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। लगभग 10 कॉलेज यहाँ पे इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आए हैं और बड़े शॉर्ट नोटिस पे जो है इस कॉलेज को यहाँ पे इसको आगाज करने का जो है इनको डायरेक्शन मिली है और शॉर्ट नोटिस पे इन्होंने इसका अरेंजमेंट किया है। बड़ा अच्छा टूर्नामेंट एक्सपेक्ट मैं करता हूँ, लेकिन साथ ही ये भी कहना चाहूँगा, HP यूनिवर्सिटी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं हिमाचल में, ज़्यादा टीम आती है तो थोड़ा बच्चों को ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। आज हॉकी जो है काफ़ी अच्छा स्तर भारतवर्ष का भी सुधरा है। रिसेंटली अभी एशिया कप टूर्नामेंट जो है भारतवर्ष की महिलाओं ने जीता है, तो इस स्टेज पे बच्चों को हम प्रोत्साहित करेंगे, खेलने का मौका देंगे, तो ही आगे जो है प्रतिभा बढ़ेगी। मैं अपनी तरफ से जिला प्रशासन की तरफ से। वहीं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पवन जम्बाल ने सभी टीमों को खेल की भावना से खेलने का आह्वान किया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट।